Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही हमने उस वायरल चीज को टेस्ट करना है जो कि हर जगह वायरल है। टिकटॉक खोलो वहां वायरल है, फेसबुक खोलो वहां वायरल है, जो जगह खोलो वो वायरल है। सब इसको स्प्रे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, हेयर फॉल खत्म हो गया है। ये इस तरह का है, रोजमेरी लीव्स ड्राइड है ये। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं जी, बालों को मजबूत और घना करता है, बालों को गिरने से रोकता है, खुश्की खत्म करता है और बालों को नरम मुलायम और चमकदार बनाता है। चले जी, ये भी ठीक है। अच्छा, जहां से मैंने ये लिया था मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। बाकी मार्केट से आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन नहीं खरीदना, मार्केट जाएं, 200-300 का आप लोग को ये पूरा पैकेट मिल जाता है आसानी से। अच्छा, मैंने इसको खोला भी नहीं है, अब इसको इकट्ठा खोलते हैं। चले जी, अब इसको खोलते हैं। पहले इसको यहाँ से फाड़ लेना है और फिर इसको चल गई खोलिए। ठीक है, इस तरह के जी सूखे सूखे से पत्ते टाइप है। इसकी स्मेल जी वैसे जिस तरह मेहंदी के ताजा पत्ते नहीं, तो खिली खिली सी खुशबू आ रही होती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, बाकी स्प्रे बना के देखते हैं कि जब रात को लगा कर सोएंगे तो हमारे बालों में से कितनी बात बो आएगी। इसकी नहीं आएगी मेरा नहीं ख्याल, चले बना के देखते, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं इस्तेमाल किया। आप लोग साथ इस्तेमाल करूंगी, पूरे 40 दिन इस्तेमाल करूंगी। अब बारी आती है अगले स्टेप की, जो कि हम सबने करना है क्योंकि ये सबने मंगवा ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो स्टेप है, हमने अपने बालों को नाप लेना है, इंच स्टेप ले लेनी है। बालों को नापने का आसान तरीका ये होगा कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, दरमियान से और एंड पे लेके जाएंगे। और बाल को ना हम लोगों ने बहुत खींचना नहीं है, देखें आराम से इतना खींचना कि सीधा हो जाए और जो लास्ट पे यहाँ से टिप बनेगी ना वहां तक अपने नाप लेने, और 40 दिन बाद दोबारा नापेंगे कि कितना फर्क आया, इतना फर्क आया, इतना आया, इतना है। इतना तो पता नहीं आता है, नहीं आता इतना सा तो मेरा ख्याल आ ही जाएगा। देखिए, हमने इंच स्टेप ले ली है, यहाँ रखेंगे और देखिए यहाँ पे बिल्कुल, और इधर से जो लास्ट पॉइंट होगा ना वहां तक हम नाप लेंगे। मैं आप लोग को दिखाती हूँ खड़े होकर। चलें जी, बालों को नाप लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से बालों को नापना है और इधर से सीधा नीचे जाना है, कर्ल डला हुआ हेयर में या कर्ली हेयर है, थोड़ा सा खींच के सीधा कर लेना बाल। इधर से इसलिए करें ताकि ना सबकी मेजरमेंट सही है ना, एक आधा इंच का भी ना फर्क ना हो, फिर रिजल्ट से ही पता नहीं चलेगा। बालों को थोड़ा सा खींच के इसमें सीधा कर लेना, खड़ी हो या ठीक है, सबसे एंड वाला बाल करने, बिल्कुल एंड वाला की है, उसी पे ही आया। 32 इंच, ये जी 32 इंच बाल है। आप लोग सब भी अपना अपना नोट करें और कमेंट्स में बताएं किसके कितने कितने बाल हैं। मैंने जी 40 इंच करने हैं इंशाल्लाह, फिर दोबारा कटवा लेने 25 इंच तक, जो हमारा काम है लड़कियों का। बाल मेजर कर लिए हैं, 32 इंच बाल आए हैं इधर से दरमियान में एंड पे। अब चलते हैं जी रोजमेरी का पानी बनाने के लिए, किस तरह बनाना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। चले जी पानी बनाना शुरू करते हैं रोजमेरी का। हमें चाहिए 2 चाय पीने वाले बड़े वाले जो मग होते हैं ना, वो फुल करके हमने सॉस पैन के अंदर ऐड कर देने हैं। आग जला लेनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता, और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून हल्की रोजमेरी लीव्स के डाल देने। मैंने ऐसे ही डाल दिए, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा रोजमेरी लीव्स को धो के डालिएगा, ड्राई होते हैं, हल्की सी मिट्टी होगी इसके अंदर शायद, इसलिए बेहतर यही होगा कि एक दफ़ा पानी के नीचे गुजार के तो तब हमने बॉईल करना है इसको। हल्की आग पे डाल देने हैं, उसके 10 मिनट बाद आग थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है, इसको बॉईल आने देना है, इसका कलर चेंज होने देना है, और तकरीबन हमने हल्की आग पे इसको फिर 15 मिनट पकाना है। जब ये बॉईल आना शुरू हो जाएगा, थे कलर चेंज करना शुरू कर दिया इसने, अब जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो बॉयल के बाद हमने 15 मिनट्स बहुत तेज़ आग पर नहीं, दरमियानी आग पर पकाना है, ताकि आधा ग्लास पानी का ना सूख जाए, 1.5 रह जाए। हमने 2 डाले थे ना मग, तो हम 1.5 हमें चाहिए। ये देखें 15 मिनट के बाद कुछ ऐसी शक्ल आएगी, ऊपर हल्की सी झाग झाग भी आ गई थी। अब इसको ठंडा करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है, और ये इसका कलर आप लोग देख लीजिए, इस तरह का डार्क ब्राउन और ब्राउन सा कलर हो गया। अच्छा, पिंक तो मेरा कलर नहीं आया, जो मैंने वीडियोस देखी थी उसके अंदर पिंकिश सा था, हमारा तो इस तरह कलर आया विदाउट फिल्टर, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब आधा ग्लास पानी है जो साफ़ सुथरा पीने वाला होता है, आधा ग्लास हमने सुखा लिया था ना, अब आधा ग्लास जो सूखा था दोबारा इसके अंदर ऐड करना है, ताकि टोटल 2 कप हमारे हो जाएँ। ये देखिए, अब इसके अंदर ये ऐड कर दिया है, ये जी रोजमेरी का पानी रेडी। अब जी रोजमेरी का स्प्रे हम लोगों ने रेडी कर लिया है। एक और बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, जिसके बाद एक्स्ट्रा ड्राई ब्लीच करके बेड़ा वर्क हुआ है, उसने क्या करना है, इस पानी के अंदर सिर्फ 4 से 5 कतरे या तो आलमंड ऑयल के या तो
ऑलिव ऑयल डाल ले या तो आर्गन ऑयल डाले, आर्गन ऑयल सबसे बेस्ट है, उसके बाद आलमंड ऑलिव ऑयल जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बाल जो ड्राई होंगे ना उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। अच्छा अब दूसरा सवाल ये होगा, इसको अप्लाई करने के अगले दिन बाद हमने नहाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद हमने बाल वॉश करने हैं। अगर आप लोग डेली करना चाहें वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद बाल वॉश करूंगी। उसके बाद हम लोगों ने पूरे बाल गीले नहीं कर लेने, हम लोगों ने इस तरह देखिए स्किन नजर आ रही है ना, इधर स्प्रे कर देना, अगली मांग निकाल के स्प्रे करने, फिर उधर रब कर देने, फिर अगले कर दें उधर रब कर देने, उधर करना उधर रब कर देने, फिर हमने 5 से 10 मिनट अपने बालों को एयर ड्राई होने देने, किसी ड्रायर से नहीं सिर्फ पंखे की हवा से, उसके बाद चुट्टियां करें और आप लोग सो जाएं। 40 दिन ये हम काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसने क्या जादू किया है। ठीक है जी, मैं जी एक चार्ट बनाने लगी जिसके अंदर 1 डे से लेके 40 डेज तक लिखूंगी, आगे टिक करूंगी, इस तरह के होते करने का दिल भी करता, सामने दीवार पे चिपका लूंगी, डेली आके वहां पे टिक कर दिया करूंगी करने के बाद। अच्छा उसके बाद कुछ हमने ना इधर इतना ज्यादा नहीं करना, हल्का सा 2-3 स्प्रे करके हाथों से यू रब करके दैट्स इट, हमने फोकस रखने स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर लगेगा तो हमारे बाल लंबे होंगे, इधर नीचे लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाल लंबे करने के लिए हमें स्किन के साथ लगा के हल्का सा मसाज करना पड़ना है। अच्छा जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जी देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे चिपका दिया। अब 40 दिन टिक 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 करेंगे और 40 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, आप लोगों को बताऊंगी कि कितना फर्क आया, आया भी है या नहीं आया, ताकि पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जो जो मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं वो भी इस तरह चार्ट बना ले और टिक टिक हम करते जाएंगे, और उसके बाद 40 दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, या तो सबको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, या तो सबको नहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या तो आधे लोगों को अच्छा मिलेगा रिजल्ट, आधे लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा 40 दिन के बाद जो वीडियो बनेगी उस कमेंट सेक्शन में बड़ा मजा आने वाला है मुझे, सबके अलग अलग रिव्यू सुनने को मिलेंगे, अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी रोजमेरी के बारे में। चलें जी जल्दी से आप लोग ले आए या मंगवा लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी से मैंने मंगवाया था, और इकट्ठे शुरू करते हैं, मजा आएगा। चले जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।